राम सदगुरु तेरा ही आश्रा प्रेमी मोहन इंसान कल्याण नगर से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। जब भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं आपसे प्रार्थना है कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें और जो बहन या भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी अपने अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी मोहन इंसा कल्याण नगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बारे में मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, तेरे ही दीदार का प्रेम की खैर पा दो, तलब गहार आपका, तलब गहार आपका। सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, तेरे ही दीदार का प्रेम की खैर पा दो, तलब गहार आपका, तलब गहार आपका। सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, आपसे बिछुड़ के आए सदियां ही हो गई, सदियां ही हो गई। मैं हूँ सतगुरु जी सताया, मैं हूँ सतगुरु जी सताया, काल की बगार का प्रेम की खैर पा दो, तलब गहार आपका, तलब गहार आपका। सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, काल ने जाल बनाकर उसमें फंसा लिया, उसमें फंसा लिया। बिन तेरे कौन है मेरा, बिन तेरे कौन है मेरा, फंसे हुए लाचार का प्रेम की खैर पा दो, तलब गहार आपका, तलब गहार आपका। सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, ये मन बड़ा भरमाए काल का वकील जी, काल का वकील जी। है रूपे आलम छाया, है रूपे आलम छाया, मन की तकरार का प्रेम की खैर पा दो, तलब गहार आपका, तलब गहार आपका। सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा,
शाह शक्ति नाम जी प्यारे हमको बचा लिया, हमको बचा लिया। सेवक पे हाथ रखना, सेवक पे हाथ रखना, दया मेरे अपार का प्रेम की खैर पा दो, तलबगार आपका, तलबगार आपका। सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, तेरे ही दीदार का प्रेम की खैर पा दो, तलबगार आपका, तलबगार आपका। सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखी है। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखी है, प्रीत लगानी औखी है। सारी दुनिया प्रीत लगांदी है, सारी दुनिया प्रीत लगांदी है, पर तोड़ चढ़ाउणी औखी है। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखी है, सारी दुनिया प्रीत लगांदी है, पर तोड़ चढ़ानी औखी है। करके फिर हिजर दी तूनी ता करके, इस मन दी खाक बना करके, तन भस्म रलानी औखी है। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, रुलदा है फिर जाके वधदा भुलदा है, इको रूप हो जांदा भुलदा है, पर हस्ती मिटानी औखी है, हस्ती मिटानी औखी है। शमश ने राज ये दसे आए, शमश ने राज ये दसे आए, मोया लड़का उठ के हस आए, दीदार महबूब दा सौखाए, पर खल लहौनी औखी है। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं,
पानी बेंदे ने दिन रात हरी हरी कहंदे ने मनसूर दे वांगू सूली ते जिंदड़ी लटकानी औखी ए प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं पर प्रीत लगानी औखी ए सारी दुनिया प्रीत लगांदी ए पर तोड़ चढ़ानी औखी ए प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं पर प्रीत लगानी औखी ए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी सजनवा जी प्यारी सत्संग जियो मालिक के प्यार में उसकी मोहब्बत में चलना असंभव नहीं पर मुश्किल जरूर है। ये घोर कलयुग का समय है, मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। इंसान के पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के पाप कर्म आगे रास्ता रोक लेते हैं और मुश्किल हो जाता है रूहानियत के मार्ग पे चलना। पर जीव अपने गुरु संत पीर पैगंबर के वचनों को मानता रहे, पता ही नहीं चलता कब जिंदगी का सफर तय कर गया, कब रूहानियत से उड़ने बह गया। क्योंकि वचन मानने में ही ताकत है, वचन मानने में ही शक्ति है। जिस दिन आप नहीं मानते, मन की मानते हैं, एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। और जब मानते जाते हैं, ये ही नहीं पता चलता सूरज कब उगा, कब छुप गया, कब दिन चढ़ा, कब रात आई। वो खुशियां ही कुछ अलग होती हैं। पर ये थोड़े ना है कि वो खुशियां चली जाती हैं। कई बार कई जीवों को हमने सुना है, तब बड़ा आनंद होता था, बड़ी लज्जत होती थी, दिन का ही नहीं पता चलता था। तो अब क्या हुआ? आपका मन हावी है, लड़ो मन से, सुमन करो, भक्ति करो, इबादत करो, फिर वही दिन लौटेंगे, फिर वही बहार हो जाएगी, पतझड़ का मौसम बीत जाएगा। क्योंकि रूहानियत में जब जागो तभी सवेरा। जब आप अपने मन से लड़ लेंगे, जब आप संतों के वचनों को मानना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी में फिर से बहार जरूर आ जाएगी। पर यह नहीं है कि आप हफ्ता, दस दिन, महीना मान लिया, दो दिन माना, दो दिन नहीं, दो दिन माना, दो दिन नहीं। दृढ़ निश्चय करो कि ठीक है, जीवन मालिक की याद में लगाना है तो लगाना है, उसकी भक्ति में लगाना है तो लगाना है, सुमण करना है तो सारी उम्र करना ही करना है, सेवा करनी है तो सारी उम्र करनी है। मन तेरी खटपट नहीं सुनूंगा, बस ऐसा अंदर से दृढ़ निश्चय कर लो अणख गैरत के साथ। हम आपको गारंटी देते हैं, मालिक के प्यार मोहब्बत से आप माला माल जरूर हो जाओगे। पर उसे अजमाओ ना, अजवाता तो मालिक है, पर आज कलयुग है, आज शिष्य मालिक को अजमाते हैं, भगवान को अजमाते हैं। देख भगवान, इतने दिन में ठीक नहीं आया तो चल छुट्टी, क्या कर लेगा तू, अपने बेड़ी में बट्टे डालेगा, खुद दुखी होता रहेगा। भगवान तो भगवान है, वो अजमाए, मालिक से दुआ करो किसी को ना अजमाए। आज शिष्य उसको अजमाने चलते हैं, नहीं भगवान ऐसा नहीं करा तो ऐसा, ऐसा नहीं करा तो वैसा। नहीं भाई, ऐसा कभी ना सोचो। आप नेक कर्म करने का प्रण करो, अच्छे कर्म के बारे में सोचो कि हे प्रभु, हे मालिक, मेरा काम तू आसान कर दे, मुझ पे रहमो करम कर दे, मुझे ताकत दे दे, मुझे शक्ति दे दे कि मैं तेरी भक्ति मार्ग पे चल सकूं। मुझ में शक्ति नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है कि मैं चल सकूं, पर तू तो ताकत का स्रोत है, तू तो ताकत का खजाना है। मैं तेरी भक्ति करूंगा, पर वो खजाना मुझ पे उंडेल दे, मुझे लुटा दे, ताकि रूहानियत के मार्ग पे मैं बेइंतहा खुशियां हासिल कर सकूं, दोनों जहान का रहमो करम मेरी झोली में आ जाए। ऐसा सोच के अमल करके आप अगर बढ़ेंगे तो आपके कदम के तमाम कांटे मालिक चुन देंगे और बदले में मखमल बिछा देंगे। जो आपका मन अड़ी करता है, बात बात पे आपसे झगड़ता रहता है, आपको अपना गुलाम बना लेता है, जो अच्छाई पे चलने नहीं देता, राम नाम पे चलने नहीं देता, भगवान के प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ने नहीं देता, आप यकीन मानिए एक बार दृढ़ प्रण करके चल के तो देखो,
आपका मन तो पानी भरेगा, क्योंकि सतगुरु मुर्शिद ने पूर्ण नाम दिया है, सच्चा नाम दिया है उस दाता रहबर ने। पर अगर आप ही ना मानो तो गुरु बिचारा क्या करे जा सिखण में चूक। तो संत पीर फकीर के वचन सुनो और अमल करना सीखो। सुन के जो छोड़ देते हैं वो पास में आई खुशियों से दूर हो जाते हैं। सो अपने मन की दाल ना गलने दो। इस कलयुग में बस एक ही बड़ी ताकत, वैसे तो इसके अधीन पांच और भी हैं, पर सबसे बड़ा मन है। मन से लड़ो, मन मते ना चलो, लड़ते रहो मन से। सुमन के द्वारा सेवा में अपने तन को चूर चूर कर दो। आप घर गृहस्थ वाले हैं, काम धंधा करते हो, पूरा जोश से करो, साथ में सुमन करते रहो, परमार्थ करो, भलाई के लिए समय दो। तो मन जब काम धंधे में लगा रहता है, अच्छाई में लगा रहता है, फिर नहीं ये बोलता। खाली मन शैतान का चरखा। जब भी ये खाली होता है, जब भी आप फरी होते हैं और वचन नहीं मानते, तो ये मन फिर चरखे की तरह चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और इंसान को गुमराह करता जाता है। छोटी सी बात को लेकर, ये नहीं, वो नहीं, फुला नहीं, धिंकड़ नहीं, कोई मतलब नहीं होता संतों का, पीर फकीर का, बहाने ढूंढता है। वो कहते हैं ना, एक कहानी हमने पढ़ी थी, नाम हमें ख्याल में नहीं, उसका कुछ नाम भी था। तो वो लड़की थी, घर से रूठ के चली गई, बहुत बार चली जाती थी, माँ बाप बुला लाती थी कि चल भाई, उसको पता था थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। उस दिन उसके माँ बाप ने सोचा ये ठीक नहीं आती, रोज ही रूठ जाती है, चलो बुलाते ही नहीं। अब उसको तो आदत पड़ी हुई थी, थोड़ी देर रूठी बाहर बैठी रही वृक्ष के नीचे, अब धूप आ गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने सोचा आज तो आई नहीं, चक्कर क्या हो गया। उसने निगाह नुगा मारी, खांसी खूंसी की कि मैं बैठी हूं, पर माँ बाप ने पक्का निश्चय कर लिया, आखिर थक जाते हैं ना, आखिर क्या करें माँ बाप, एक हद होती है। उसने सोचा इस बार बुलाते ही नहीं। अब दोपहर की गई, शाम हो गई, रात होने को आई, उसने कहा आज नहीं कोई आता, बहुत जोर जोर मारा, खांसी खूंसी की, आओ आओ किया, उल्टा उल्टी सबक करते हैं ना, लक्षण फिर शुरू हो जाते हैं कि हाँ मेरी हमदर्दी मिल जाए मुझे किसी तरीके से। पर माँ बाप ने सोचा नहीं इस बार नहीं। तो उसने क्या किया, ऐसे शाम का समय हो गया तो बकरी आ रही थी बाहर से घास फूस चर के घर में जा रही थी, तो उसकी रस्सी अपने यहां बांध ली और घर के अंदर चली गई। सामने माँ बाप बैठे थे, कहते मैं आज आना नहीं था, बकरी तू मुझे ले आई। तो कहने का मतलब, तो आप वैसे ही मान जाओ, क्यों ऐसे बहाने से मारते रहते हो, बहाना मारना मालिक पे, कोई बात हुई फिर मालिक ऐसा वैसा फला है, फिर बकरी वाली बात करनी पड़ेगी, मान जाओ अच्छा है। तो कहने का मतलब, जी मानता नहीं, संत तो बहुत समझाते हैं, संत थकते नहीं, माँ बाप थक जाते हैं, पर संत ऐसे नहीं कि कभी किसी को गलत बोले, वो तो सही समझाते हैं कि बेटा मान जा ना, मन के हाथों मजबूर हो ना, मन का गुलाम बनाकर, क्योंकि मन का तो काम ही है आदमी को गुमराह कर देना, मन का काम है आदमी को मालिक से दूर कर देना। सो मन से लड़ा करो, सुमन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, ताकि आपके अंदर की कमियां दूर हो जाएं और मालिक की दया में रहमत से आप माला माल हो जाएं। बात करना चाहते हैं लंदन यूके से और कैलिफोर्निया यूएसए से, हाँ भाई थोड़ी थोड़ी बात कीजिए, बोलिए बात कीजिए। जी बोलो ਤੇ ਆਪਕੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਾਪੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਤੇ ਆਪਕੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੇਬਰਾਈ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਆਪਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ पल आप लोग साथ महसूस करी रहे तो कहीं हमेशा ये लग रहा है कि तुम साथ हो जी। हेलो हाँ बेटा बोलो। हाँ जी बताइए, एक बार तुम्हें करिश्मा दसना है जी। जी तो एक बार मेरा तो हरपिंदर का टेस्ट सीगा और अभी दूसरे दिन जाना सीगा और मैं यूट्यूब पे आपकी भजन सुनती रहती थी जब भी मैं स्कूल जाती
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਆਪਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਓਗੇ ਸਹੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿਓਗੇ ਆਪਦਾ ਕਰੋਗੇ ਸਹੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਪੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨੀ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਚ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੜਫ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਸਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਪ ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਬਖਸ਼ੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਓਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮਾਲਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬਕੈਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਸੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਲੈ ਲਿਓ ਮਾਲਕ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਬੋਲਦਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2007 ਚ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆਇਆ ਪੇਪਰ ਨੀ ਬਣ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਮੇਰ ਕਰੋ ਸਗੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਊ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਮਗਰ ਠੀਕ ਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡੇਰੇ ਬੇਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਜਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਚਨਾ ਤੇ ਰਿਹੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹੋ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ सेवा समिति के 32 भाई शिफ्ट पूरी जाना चाहते हैं यूथ वेलफेयर फेडरेशन के 4 भाई और ब्लॉक चुके कला से 6 ट्राली बणचटी लेकर आए खड़े हो जाएं जी सभी लोग तो जिसने नाम लिया होता है बेटा मालिक खुशी बख्शते हैं ऊपर से आप इतनी सेवा करते हैं इतना मेहनत करते हैं तो जितनी सेवा की है सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक का आपकी झोलियों में डाले दया में रहमत से माला माल करे घरों में खुशियां आए सारे परिवार को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा घरों के लिए प्रसाद ले जाना आशीर्वाद खुद भी खाना और परिवारों को भी देना आशीर्वाद आशीर्वाद नाम जपते रहो सुमरण करते रहो आशीर्वाद बेटा जिनके परिवार में किसी ने चोला छोटा खड़े हो जाना जी तामकोट मुक्सर से आए इनके पिता ने चोला छोटा नाम लिया था उम्र 42 साल और उनकी याद में फजूल खर्च की वजह दिन के मध्य बैंक में 1600 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद हेड़ी के संगरूर तो आए हैं इन्होंने पिता ने चोला छोटे नाम लिया से 90 साल परिवार दोनों पास खड़े हो जान नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी
तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड ज्यों त्यों जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, क्योंकि ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक ज्यों त्यों निज धाम लेके जाता है। प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना, मालिक आपको ताकत दे। इधर भी प्रसाद ले लो बेटा, जो जख्म देते मरहम उसी के पास है, मालिक हिम्मत देने वाला है, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना बैठे रहना है जी, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धनन सतगुरु।